नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से अब एक आम बात हो गई है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम में मौजूद जानकारी और सूचनाओं को आसानी से एक्सेस कर सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी किया जा रहा है। वही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टाइजमेंट देना अब एक आम चलन हो गया है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनकी फीड या टाइमलाइन पर क्या दिखेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी भी विज्ञापन दाता के लिए टारगेट ऑडियंस चूज करना आसान बात है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज के अभिषेक कुमार ने पाया कि कई फेसबुक पेज इस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सत्ताधारी पार्टी भाजपा के सपोर्ट में और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट में फिर एक बार modisarkar.com नामक वेबसाइट शामिल है। वेबसाइट आईपी लुकअप टूल की मदद से इस वेबसाइट को चेक करने पर हमें आईपी एड्रेस 13.232.63.153 मिला। आगे इस आईपी एड्रेस से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए रिवर्स आईपी लुकअप टूल की मदद से सर्च किया तो हमने पाया कि इस आईपी एड्रेस पर फिलहाल 13 वेबसाइट्स होस्टेड है। अक्टूबर 2022 में इस आईपी एड्रेस पर 14 वेबसाइट्स होस्टेड थी। अक्टूबर से लेकर आर्टिकल लिखे जाने के बीच दो वेबसाइट्स डाउन हो गई और एक नई वेबसाइट bhagbudbuk.com को इस पर होस्ट किया गया। इस आईपी एड्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए हमने बिल्ड विद की आईपी एड्रेस यूजर्स हिस्ट्री टूल की मदद ली। ऑल्ट न्यूज ने देखा कि दिसंबर 2019 से लेकर ऑल्ट न्यूज की ये रिपोर्ट लिखे जाने तक इस आईपी एड्रेस पर कुल 23 वेबसाइट्स होस्ट की गई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इनमें से कई वेबसाइट्स डाउन है। रजिस्ट्रेशन डेटा लुकअप टूल की मदद से हमें पता चला कि इन सभी डोमेन की इंफॉर्मेशन डोमेन बाय प्रॉक्सी की मदद से छिपाई गई है। व्यूअर्स को बता दें कि डोमेन्स बाय प्रॉक्सी एक ऐसे इंटरनेट कंपनी है जो डोमेन गोपनीयता सेवाएं प्रदान करती है। इस कंपनी को डोमेन ओनर की व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इन वेबसाइट्स का टेम्पलेट और कंटेंट पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन सभी वेबसाइट्स में 3 तस्वीरों वाला एक होम पेज, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। इसके अलावा इन सभी वेबसाइट्स पर एक फेसबुक पेज का लिंक है। आगे छानबीन जारी रखते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इन वेबसाइट्स में एक और बात कॉमन है। इनसे जुड़े फेसबुक पेज धड़ल्ले से फेसबुक प्रचार पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट चेक करने पर हमने पाया कि 21 फरवरी 2019 से लेकर 10 मार्च 2023 तक इन फेसबुक पेजों ने लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए हैं। इन पर अक्सर भाजपा के समर्थन में विज्ञापन चलाए जाते हैं। वहीं इनमें से कई वेबसाइट्स और इनसे जुड़े फेसबुक पेज विपक्षी पार्टियों और नेताओं का दुष्प्रचार करने के लिए भी कंटेंट पोस्ट करते हैं। जैसे कि ठग्स ऑफ झारखंड पेज के जरिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जाता है। ऐसे ही चोर मचाए शोर पेज से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। हालांकि हमने एक और बात नोटिस की, इन विज्ञापनों के डिस्क्लेमर में या तो वेबसाइट का नाम दिया है या फिर उसी पेज का नाम जिससे ये एडवर्टाइजमेंट डाला है। बहरहाल मेटा के नियम के अनुसार डिस्क्लेमर में विज्ञापन दाता के बारे में बताना होता है। अब वीडियो में यहाँ तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से फेसबुक पर विज्ञापन के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इन फेसबुक पेजों पर किस तरीके का कंटेंट पोस्ट किया जाता है। मेटा एड लाइब्रेरी में मौजूद डेटा से हमें मालूम हुआ कि फेसबुक पेज फिर एक बार मोदी सरकार ने 16 से 18 मार्च 2023 के बीच ये एड दिया था, जिसमें फर्जी दावा किया गया था कि नोबेल कमेटी के उपाध्यक्ष आसले टोहे ने नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे का फैक्ट चेक किया था और पाया था कि ये दावा सरासर गलत है। इसके फैक्ट चेक का डिटेल वीडियो आप स्क्रीन में आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। हमने देखा कि इन पेजों पर गैर भाजपा नेता जैसे ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, केसीआर और राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जाता है और साथ ही इन फेसबुक पेजों की रीच लाखों में है। अब बात करते हैं इन फेसबुक पेजों द्वारा दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स की। फेसबुक पेज भगबुड़बक ने डिस्क्लेमर में ये मोबाइल नंबर दिया है।
ऑल्ट न्यूज ने इस नंबर को गूगल पर सर्च किया तो पाया कि फेसबुक पेज पलटू आदमी पार्टी ने ये नंबर शेयर करते हुए यूजर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होने की अपील की थी। मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट की मदद से हमने पाया कि इस पेज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विरोध में फेसबुक पर जमकर विज्ञापन चलाए हैं। ऐसे ही बाकी फेसबुक पेजों के मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट में मौजूद कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही फिर एक बार modi sarkar.com वेबसाइट पर मौजूद फेसबुक पेज का नाम भी फिर एक बार मोदी सरकार है। इस पेज के 42 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये पेज भाजपा के समर्थन में और विपक्षी दलों के विरोध में पोस्ट करता है। वही इस पेज का अबाउट सेक्शन चेक करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये पेज 9 जुलाई 2016 को बनाया गया था और इसका पुराना नाम उत्तर देगा उत्तर प्रदेश था। व्यूअर्स ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उत्तर देगा उत्तर प्रदेश नाम से एक कैंपेन चलाया था। वहीं 2017 का चुनाव खत्म होने के कुछ महीनों बाद 26 अगस्त 2017 को इस पेज का नाम बदलकर हर प्रदेश की पुकार बीजेपी सरकार कर दिया गया और आखिर में 2 सितंबर 2017 को इसका नाम बदलकर फिर एक बार मोदी सरकार कर दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में भी इस पेज की फैन फॉलोइंग के बारे में बताया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा ने सोशल मीडिया पर पार्टी की सर्वव्यापकता के लिए कई स्तरों पर टीम का गठन किया था। इसके लिए 10,344 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे और 4 फेसबुक पेज संचालित किए गए थे। इन पेजों के नाम बीजेपी फॉर यूपी, उत्तर देगा उत्तर प्रदेश, अब माफ करो सरकार और यूपी के मन की बात है। फेसबुक पेज उत्तर देगा उत्तर प्रदेश, जिसका नाम बाद में बदलकर फिर एक बार मोदी सरकार किया गया था, ने 8 दिसंबर 2016 को ये पोस्ट किया था, जिसमें कैंपेन की वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल का यूजर नेम और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। ये ट्विटर अकाउंट अब इनएक्टिव है, लेकिन इसने 8 मार्च 2017 को ये आखिरी ट्वीट किया था। गौर करें कि 7 मार्च को 2017 का यूपी इलेक्शन खत्म हुआ था, लेकिन इसके पुराने ट्वीट्स देखने पर साफ मालूम होता है कि ये ट्विटर अकाउंट फेसबुक पेज फिर एक बार मोदी सरकार से कनेक्टेड है। 11 अगस्त 2016 के इस ट्वीट में फेसबुक शॉर्ट लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके हम फिर एक बार मोदी सरकार पेज पर पहुंचते हैं, जिस पेज का पुराना नाम उत्तर देगा उत्तर प्रदेश था। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि फेसबुक पोस्ट में टेक्स्ट के साथ साथ डेट और टाइम भी ट्वीट से मेल खाता है। वही ध्यान दें कि फेसबुक पेज फिर एक बार मोदी सरकार के 2016 वाले पोस्ट में दी गई वेबसाइट और मोबाइल नंबर दोनों भाजपा और भाजपा उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स ने ट्वीट किए हैं। और तो और भाजपा उत्तर प्रदेश ने प्रोमो वीडियो में भी इस वेबसाइट और मोबाइल नंबर को मेंशन किया था। भाजपा ने अपने कैंपेन में यूपी के मन की बात में इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। 2016 में ये मोबाइल नंबर भाजपा उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के बैनर पर भी मौजूद था, यानी ये मोबाइल नंबर भाजपा उत्तर प्रदेश का था। 2019 में फेसबुक पेज फिर एक बार मोदी सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापन के डिस्क्लेमर डिटेल में हमें 6A पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नियर ITO, मिंटो ब्रिज कॉलोनी, 12 खंबा, न्यू दिल्ली, इंडिया 11002 का एड्रेस मिला। गौर करें कि ये एड्रेस भाजपा के हेडक्वार्टर का एड्रेस है। अब बात करते हैं फेसबुक पॉलिसी की, जिसने अपनी ही विज्ञापन पॉलिसी को बाईपास किया। फेसबुक विज्ञापन पॉलिसी के मुताबिक विज्ञापनदाता को विज्ञापन के लिए भुगतान किसने किया है ये बताना होता है, जिसकी जानकारी एड पर पब्लिश्ड बाय के रूप में मौजूद होती है। वहीं डिस्क्लेमर अप्रूव करवाने के 2 तरीके हैं। पहला है नॉर्मल लीगल नाम और पहचान दस्तावेज के जरिए और दूसरा तरीका है जिसमें विज्ञापनदाता को स्वघोषित संगठन का नाम, पता, व्यवसायिक फोन नंबर, वेबसाइट, डोमेन ईमेल देना होता है। इसके बाद डिस्क्लेमर अप्रूव हो जाता है। इससे मुखौटा वेबसाइट्स आसानी से अपना डिस्क्लेमर अप्रूव करवा लेती है। इसमें वो एक डोमेन खरीद कर एक सिंपल वेबसाइट बनाते हैं, जिस पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज और फेसबुक का लिंक होता है और इस खरीदे हुए डोमेन के जरिए वो एक डोमेन ईमेल बनाते हैं और अपना पता और मोबाइल नंबर सबमिट करके फेसबुक के पास अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। ध्यान दें कि इन पेजों द्वारा डिस्क्लेमर अप्रूवल करवाने के लिए सबमिट किए गए एड्रेस में से कुछ पते आधे अधूरे हैं, जिनमें सिर्फ शहर और राज्य के नाम दिया गया है, लेकिन फिर भी फेसबुक ने आधी अधूरी जानकारी के बावजूद इन डिस्क्लेमर्स को अप्रूवल दिया है, जिसके जरिए ये पेज धड़ल्ले से विज्ञापन चला रहे हैं।
इस प्रकार फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट सिस्टम में ये एक बड़ी खामी है जिससे ये फेसबुक पेज आसानी से बाईपास कर लेते हैं और धड़ल्ले से फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन चलाकर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो भी बिना इस बात का खुलासा किए कि किसने इन विज्ञापन को चलाने के लिए भुगतान किया है।